नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक साथ मिलकर सोमवार यानी आज भारत में विशेष रूप से विकसित बाइक एम्बुलेंस दक्षिता का शुभारंभ किया है। ये बाइक एम्बुलेंस चिकित्सक, आपातकाल या चोट की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों की तत्काल निकासी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये बाइक मुठभेड़ों के दौरान घायल होने की स्थिति में CRPF के जवानों और पैरामेडिक्स को सहायता देगी। CRPF के एक अधिकारी ने कहा, ये बाइक बीजापुरे, सुकमाई, दंतेवाड़ा आदि क्षेत्रों में अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि जंगल के अंदर बड़े वाहन या एम्बुलेंस को ले जाना बल के लिए कठिन है। CRPF द्वारा विशेष रूप से नक्सली क्षेत्र में सड़कों पर तेजी से पहुंचने के लिए CRPF की आवश्यकता के बाद इस बाइक को तैयार किया गया है। ऐसे इलाकों में इन बाइक्स को बखूबी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस रचिता को ऑन स्पॉट चिकित्सा देखभाल और घायल परिवहन प्रणाली के उपयोग किया जा सकेगा, जो न केवल स्वदेशी और लगातार और लागत प्रभावी है, बल्कि मरीज को खराब सड़कों, संकरी गलियों, भीड़भाड़ को पार करके दुर्गम या दूरस्थ स्थान तक पहुंच सकती है। इस रचिता को ऑन स्पॉट चिकित्सा देखभाल और घायल परिवहन प्रणाली के उपयोग किया जा सकेगा, जो न केवल स्वदेशी और लागत प्रभावी है, बल्कि मरीज को खराब सड़कों, सक्रिय गलियों, भीड़भाड़ को पार करके दुर्गम या दूरस्थ स्थान तक पहुंचा सकती है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।